खोजकर्ताओं द्वारा एक ऐसे टॉयलेट की खोज की है जिसे दुनिया का सबसे पुराना फ्लश टॉयलेट कहा जा रहा है। यह 2400 साल पुराना बताया गया है। माना जा रहा है कि इस टॉयलेट का इस्तेमाल चीन के किन राजवंश के राजाओं द्वारा किया गया था। युयांग की खुदाई का कार्य 2012 में ही शुरू हुआ था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि खुदाई के दौरान शौचालय का ऊपरी आधा हिस्सा नहीं मिला था, इसलिए पुरातत्वविद इस बात की पुष्टि नहीं कर सके कि लोग उसे कैसे यूज करते थे। यह शौचालय युद्धरत राज्यों की अवधि का हो सकता है और संभवतः उच्च रैंकिंग के अधिकारियों के लिए ही था। फिलहाल चीन में अब तक खोजा गया यह पहला और एकमात्र फ्रेश शौचालय है।